गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर प्रेरणा महेश्वरी, सहाचार्य इतिहास, राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर। मेरा आज का व्याख्यान एमए फाइनल हिस्ट्री के कंपलसरी पेपर थ्योरी एंड मेथड्स ऑफ हिस्ट्री की फर्स्ट यूनिट के टॉपिक इतिहास विज्ञान है अथवा कला पर केंद्रित रहेगा। प्रस्तुत व्याख्यान में विभिन्न इतिहासकारों के विचारों के परिप्रेक्ष्य में ये बताने का प्रयास होगा कि क्या इतिहास विज्ञान है अथवा क्या इतिहास को विज्ञान के समकक्ष रखा जाए। इतिहास संबंधी वैज्ञानिक अवधारणा 19वीं शताब्दी की देन है। विज्ञान का एकमात्र उद्देश्य है प्रकृति का अन्वेषण कर उसमें अंतर्निहित गूढ़ तत्वों को प्रकाश में लाना। इसी प्रकार इतिहास को वैज्ञानिक स्वरूप प्रदान करने का एकमात्र उद्देश्य समाज में मानवीय अवस्था एवं परिस्थितियों को नियंत्रित करने वाले नियमों को प्रकट करना है। इन्हीं के परिणाम स्वरूप सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक तथा धार्मिक विज्ञान की हम बात करें तो विज्ञान की कुछ स्पष्ट विशेषताएं हैं। विज्ञान तथ्यात्मक है। विज्ञान कार्य कारण संबंधों की गवेषणा करता है। विज्ञान सार्वभौमिक होता है। विज्ञान प्रामाणिक होता है। विज्ञान भविष्यवाणी करता है। प्रश्न यह है कि क्या इतिहास में उपयुक्त विशेषताओं का समन्वय है अथवा नहीं। कुछ विद्वानों के अनुसार इतिहास को विज्ञान के समकक्ष रखना कठिन है, परंतु कुछ विद्वानों के अनुसार इतिहास को विज्ञान का स्वरूप दिया जा सकता है। इस प्रकार इतिहास के वैज्ञानिक स्वरूप के संबंध में दो परस्पर विरोधी अवधारणाएं हैं। इतिहास विज्ञान है अथवा इतिहास विज्ञान नहीं है। पहले बात करेंगे इतिहास विज्ञान नहीं है और इससे संबंधित सबसे पहले जो विचार है जेम्स बी कॉनेट का, उनके अनुसार इतिहास में क्रमबद्ध और निश्चित नियमों का अभाव है। इतिहास में विज्ञान की भांति सार्वभौमिक नियम नहीं बनाए जा सके जिन्हें सभी देशों, युगों और परिस्थितियों में कार्यान्वित किया जा सके। इतिहासकार के लिए भावी घटनाओं का अनुमान लगाना अथवा अतीत की घटनाओं का सूक्ष्म दर्शन संभव नहीं है, परंतु वैज्ञानिक सामान्य नियमों में विश्वास के बिना एक क्षण भी कार्य नहीं कर सकता। वैज्ञानिक सामान्यताओं पर ध्यान केंद्रित करता है और सामान्य में रुचि रखता है। इतिहासकार का ध्यान विभिन्नताओं पर केंद्रित होता है। फ्रांसीसी क्रांति की जब चर्चा होती है तो इतिहासकार फ्रांसीसी क्रांति और अन्य क्रांतियों में समानता ढूंढने की अपेक्षा अंतर को जानने का प्रयास करता है। दूसरा विचार शोपेनहोर का है, जिनके अनुसार इतिहास तथ्यों का संकलन मात्र है, इसमें वैज्ञानिक तत्वों का अभाव है। एक और बात जो बार बार कही जाती है वो ये कि इतिहास में सार्वभौमिक निष्कर्षों का अभाव है। मानव जीवन का अध्ययन भौतिक अणु तत्वों तथा पशु पक्षियों के जीवन इतिहास के समान नहीं किया जा सकता। मनुष्य का जीवन इतना जटिल, आध्यात्मिक और विभिन्नताओं से परिपूर्ण है कि उसका वैज्ञानिक विश्लेषण अत्यंत कठिन है। मोहम्मद तुगलक और औरंगजेब जैसे शासकों के जीवन निष्कर्ष से तत्कालीन समाज का परिचय प्राप्त करना संभव नहीं है। एक और कठिनाई इतिहास को विज्ञान के समकक्ष रखने में है कि इतिहास का स्वरूप विषयनिष्ठ होता है। इतिहास के तथ्य विशेष घटना, विशेष समाज के लिए विशेष व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं। इतिहास के प्रस्तुतीकरण में व्यक्तिगत रुचि तथा समाज की रुचि प्रधान होती है। इतिहासकार की रुचि इतिहास को विषयनिष्ठ बना देती है। इतिहासकार आदि से अंत तक अपनी रचना को व्यक्तिगत दृष्टिकोण और व्यक्तिगत शैली से अतिरंजित करता है, जबकि विज्ञान का स्वरूप वस्तुनिष्ठ होता है। एक और विचार इस संदर्भ में प्रस्तुत किया जाता है जिसके अनुसार वैज्ञानिक प्रयोगशाला में प्राकृतिक तथ्यों का सूक्ष्म निरीक्षण करता है। यह मत दिया है सिमल ने
और उनके अनुसार इतिहासकार तथ्यों का सूक्ष्म निरीक्षण नहीं कर सकता। उसके तथ्य पांडुलिपियों और अभिलेखों में उपलब्ध होते हैं। अतीत के ऐतिहासिक तथ्यों को सूक्ष्म निरीक्षण करने का उसके साधन नहीं होता। इस प्रकार यहाँ पर हम प्रोफेसर वॉल्श का विचार रख सकते हैं, जिन्होंने इतिहास को विज्ञान स्वीकार करने में अनेक कठिनाइयां प्रस्तुत की हैं। उनके अनुसार विज्ञान में सामान्यीकरण या जनरलाइजेशन होता है, जबकि इतिहास में इसका अभाव होता है। वैज्ञानिक भविष्यवाणी करने में समर्थ होता है, परंतु इतिहासकार भविष्यवक्ता नहीं हो सकता। विज्ञान तथ्यों पर आधारित वस्तुनिष्ठ होता है, लेकिन इतिहास का स्वरूप विषयनिष्ठ होता है। विज्ञान शिक्षाप्रद है, जबकि इतिहास में इस गुण का अभाव है। विज्ञान में सामान्य तथ्यों का समावेश रहता है, जबकि इतिहास में विशेष तथ्यों का प्रस्तुतिकरण होता है। इतिहास में धर्म तथा नैतिकता के लिए स्थान होता है, जबकि विज्ञान में धर्म और नैतिकता का कोई स्थान नहीं। उपर्युक्त कठिनाइयों के संतोषजनक समाधान के पश्चात ही इतिहास को विज्ञान स्वीकार किया जा सकता है। अब हम बात करें कि इतिहास विज्ञान है अथवा इतिहास को विज्ञान के समकक्ष रखा जा सकता है। वॉल्श के अनुसार किसी भी वस्तु के क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। विज्ञान का तात्पर्य किसी भी विषय को सरल और सुबोध बनाना है। यहां पर हम कॉलिंगवुड के विचार को भी कोट कर सकते हैं कि इतिहास एक प्रकार का शोध है, इसका संबंध विज्ञान से है। इससे हमारे प्रश्नों का उत्तर मिलता है। जिस प्रकार विज्ञान से प्रकृति संबंधी प्रश्नों का उत्तर प्राप्त होता है, उसी प्रकार मानव समाज के जीवन संबंधी महत्वपूर्ण प्रश्नों का उत्तर इतिहास से प्राप्त होता है। डिल्थे के अनुसार विज्ञान प्रकृति का तथा इतिहास मनुष्य का अध्ययन है। प्रकृति के परिवेश में मानवीय कार्यों एवं उपलब्धियों का अध्ययन इतिहास में होता है। मनुष्य प्रकृति, भौगोलिक परिस्थिति तथा वातावरण के अनुसार कार्य करता है और दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। इस प्रकार इतिहास का वर्तमान स्वरूप विकसित विधियों से निरंतर परिष्कृत हो रहा है। सूक्ष्म विवेचना की आधुनिक प्रणाली ने अनेक विद्वानों को सोचने के लिए विवश कर दिया कि इतिहास को वैज्ञानिक स्तर प्रदान किया जाए। एडम स्मिथ ने लिखा है कि इतिहासकार अतीत में मानव जाति के जीवन और कार्यों से संबंधित वस्तुनिष्ठ यथार्थ तथ्यों को क्रमबद्ध और सुनिश्चित नियमानुसार करें तो इतिहास की तुलना भौतिक विज्ञान से की जा सकती है। अतः इतिहास को वैज्ञानिक स्वरूप प्रदान करने के लिए उसमें कुछ विशेषताओं का प्रतिरूपण आवश्यक प्रतीत होता है। वो विशेषताएं क्या है? वॉल्श के अनुसार इतिहास एक वैज्ञानिक अध्ययन है। विज्ञान की भांति इतिहास में वस्तुनिष्ठ यथार्थता का अन्वेषण क्रमबद्ध विधियों एवं नियमों के माध्यम से किया जाता है। अतः इतिहास भी एक क्रमबद्ध। दूसरा विचार इतिहास को विज्ञान के समकक्ष रखने के संदर्भ में, यहां मैं मेरी बात की शुरुआत करना चाहूंगी ईएच कार के मत से, जिसके अनुसार इतिहास को सामान्यीकरण के सिद्धांत से अलग करना उपहासपद और मूर्खतापूर्ण है। इतिहास सामान्यीकरण पर आधारित और विकसित होता है। एल्टन ने भी सामान्यीकरण को इतिहास का अभिन्न अंग स्वीकार किया है। तो इस प्रकार इतिहास का संबंध विशेष से रहता है, फिर भी इसमें सामान्यीकरण के तत्व होते हैं। हम यहाँ इतिहास की कुछ प्रमुख घटनाओं के आधार पर इस तर्क की पुष्टि कर सकते हैं। एक उदाहरण दिया जा सकता है, कावूर के नेतृत्व में इटली के एकीकरण
और बिस्मार्क के नेतृत्व में जर्मनी के एकीकरण के पश्चात इतिहासकारों ने सामान्यीकरण सिद्धांत के आधार पर यह कहना आरंभ किया कि राष्ट्रीयता के सिद्धांत की उपेक्षा करना इतिहास की गति से टकराना होगा। सामान्यीकरण सिद्धांत के आधार पर इतिहासकारों ने यह भी कहा कि नेपोलियन और हिटलर की विफलता इस तथ्य का स्पष्ट प्रमाण है कि कोई भी व्यक्ति या कोई भी देश संपूर्ण यूरोप पर शासन नहीं कर सकता। संपूर्ण यूरोप को नियंत्रित करना किसी एक व्यक्ति के समर्थ के बाहर है। तो इस प्रकार इतिहास का संबंध विशेष से है, लेकिन इसमें सामान्यकरण के तत्व मौजूद हैं। इतिहास विज्ञान है अथवा विज्ञान के समकक्ष है। इस संदर्भ में एक और विचार रखा गया है कि इतिहास शिक्षाप्रद है। वॉल्टर रेले के अनुसार इतिहास का उद्देश्य अतीत के उदाहरणों से ऐसी शिक्षा प्रदान करना है जो हमारी इच्छाओं और कार्यों का मार्गदर्शन कर सके। यहां पर भी इतिहास से उदाहरण लिए जा सकते हैं। 1917 ईस्वी में रूसी क्रांति के नेताओं ने 1789, 1830 और 1848 ईस्वी की फ्रांस की राज्य क्रांतियों से शिक्षा ग्रहण करके अपनी क्रांति का नेतृत्व किया। लेकिन एक और उदाहरण उल्लेखनीय है कि 1919 ईस्वी के पेरिस शांति सम्मेलन के निर्णयों में इतिहास की उपेक्षा की गई और पूर्व में जो वियना कांग्रेस 1815 में हुई थी उसकी सफलता और विफलता से किसी प्रकार की शिक्षा नहीं ली गई। यदि उन्होंने इतिहास की घटनाओं से शिक्षा प्राप्त की होती तो निश्चित रूप से स्थायी शांति की स्थापना के उद्देश्य में उन्हें सफलता मिलती और इस प्रकार वर्साई की संधि यूरोप में स्थायी शांति की स्थापना में पूरी तरह विफल रही। तो हम कह सकते हैं कि अतीत का अध्ययन हम वर्तमान को प्रकाशित करने के लिए और भविष्य के मार्गदर्शन के उद्देश्य से करते हैं। अतीत के संदर्भ में वर्तमान के अध्ययन का तात्पर्य वर्तमान के संदर्भ में अध्ययन है। एक और विचार विद्वानों का है कि वैज्ञानिक भविष्यवक्ता होता है। तो क्या इतिहास में भविष्यवाणी की जा सकती है? इस बात के समर्थक इतिहासकारों के अनुसार विज्ञान की भांति इतिहास में भी भविष्यवाणी के पर्याप्त अवसर हैं। विज्ञान की भांति मानव इतिहास में भी परिस्थितियों की पुनरावृत्ति होती है। यहां पर उदाहरण दिया जा सकता है कि फ्रांस में 1789 ईस्वी के बाद 1830 ईस्वी में और 1848 ईस्वी में भी क्रांति हुई। रूस में 1905 ईस्वी में क्रांति हुई और बाद में 1917 में भी क्रांति हुई। तो इस प्रकार इतिहासकारों ने यह भी सिद्ध करने का प्रयास किया है कि विज्ञान की भांति इतिहासकार भी भविष्यवाणी कर सकता है। यद्यपि इतिहासकार की भविष्यवाणी में सूक्ष्मता का अभाव दिखाई देता है। एक वैज्ञानिक की भांति वो ये नहीं कह सकता कि अमुक तिथि अमुक समय और स्थान पर क्रांति होगी। इतिहास को विज्ञान के समकक्ष रखने वाले विद्वानों ने एक और विचार प्रकट किया है कि इतिहास में वस्तुनिष्ठता का समावेश हो सकता है। अगस्त कोम्ते का विचार उल्लेखनीय है कि जब इतिहासकार व्यक्तिगत भाव का परित्याग कर सिद्धांत का आश्रय लेता है तो इतिहास का विषयनिष्ठ स्वरूप
वस्तुनिष्ठ में परिवर्तित हो जाता है। ऐतिहासिक तथ्यों को प्रमुखता प्रदान करके विषयनिष्ठ स्वरूप को वस्तुनिष्ठा में परिवर्तित किया जा सकता है। एक और मत जो धर्म और नैतिकता के विषय में है और जिसके अनुसार इतिहास में लगातार धर्म का प्रभाव रहा है, जबकि वैज्ञानिक धर्म से अप्रभावित होकर अनुसंधान करता है, परंतु वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो इतिहास अध्ययन निरंतर धर्म से अप्रभावित होता जा रहा है। ऐतिहासिक तथ्यों को प्रधानता देने का तात्पर्य उसे धर्म के प्रभाव से मुक्त करना है। और यदि हम नैतिकता की बात करें तो एक्टन का विचार यहां उल्लेखनीय है कि इतिहासकार का कार्य नैतिक शिक्षा देना नहीं है। इतिहासकार का कार्य तथ्यों के आधार पर किसी शासक अथवा व्यक्ति का मूल्यांकन करना है। व्यक्तिगत जीवन संबंधी बातों को इतिहास में स्थान देने का तात्पर्य इतिहास की गरिमा को कम करना होगा। इतिहासकार का कर्तव्य ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर किसी शासक की उपलब्धियों का मूल्यांकन करना है। हेनरी अष्टम का यहाँ उदाहरण दे सकते हैं कि वो पारिवारिक जीवन में एक बुरा पति अवश्य था, नैतिक दृष्टि से उसका व्यक्तित्व निंदनीय था, परंतु इस दोष के कारण उसकी शासकीय उपलब्धियों को कम नहीं किया जा सकता था। तो इस प्रकार इतिहासकार का कार्य तथ्यों के आधार पर किसी शासक और व्यक्ति का मूल्यांकन करना है। और निष्कर्ष तो हम ये कह सकते हैं कि इतिहास में इन सभी विशेषताओं का प्रतिरोपण करके उसे विज्ञान का स्तर प्रदान किया जा सकता है। विज्ञान की भांति इतिहास में भी यथार्थता तथा क्रमबद्धता का ध्यान रखा जाता है। तथ्यों के विश्लेषण में भी वैज्ञानिक विधियों के प्रयोग की आवश्यकता का अनुभव आधुनिक इतिहासकारों ने किया है। ऐतिहासिक गवेषणा की आधुनिकतम विधाओं का आधार पूर्ण रूप से वैज्ञानिक है। यदि विज्ञान निर्जीव तत्वों का अध्ययन है तो इतिहास में हम जीवंत मानवीय मस्तिष्क की प्रक्रियाओं का अध्ययन करते हैं। एक प्रकार से मानवीय अध्ययन ऐसा ज्ञान है जिसका स्पष्ट अभाव प्राकृतिक विज्ञान में दिखाई देता है। डिल्थे ने इतिहास को विज्ञान के समकक्ष ही नहीं बल्कि विज्ञान से भी बढ़कर स्वीकार किया है, परंतु यहां हम कंक्लूड कर सकते हैं जेबी ब्यूरी का विचार रखकर कि इतिहास विज्ञान है, न कम है और न अधिक है।